सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं को, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो आज आप इकट्ठे तो हुए हैं एक मकसद के लिए कि सरकार ने मारती दे दिया धोखा, विश्वासघात करा किसान के साथ। उन्हें कहा कि एमएसपी के लिए कानून बना देंगे, कमेटी बना देंगे, कानून बना देंगे, दे देंगे। कौन मिला? कति 100% गारंटी है, कति नहीं मिले। और ये कानून भी उल्टे आवेंगे। तोमर ने कह भी दिया था कि भाई सीधे सीधे ना ले आवा तो उल्टे डाल के ले आवेंगे। कदे न्यू सोचते हो? कारण क्या है? कारण ये है कि जो यह बीमारी चल रही है, जो ये सर्टिफिकेट मांगे हैं आपको, बैंक में जाओगे तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा दूसरी डोज का। ये जो आपके बच्चों को स्कूल में जाने से पहले ये लोग सर्टिफिकेट मांगे हैं, और इसके जो ये टीके लागन लाग रहे हैं, और जो ये खेती के कानून हैं, और जो आगे पानी का कानून, और जो बिजली का कानून, और जो और दुनिया जान के जो बीज वाले कानून ये जो आन लाग रहे हैं, ये सारे के सारे इस चीज की नींव डालने के लिए हैं कि आपकी जमीन आपसे कैसे छीनी जाए, और आपके बच्चों को वैसा कैसे बनाया जाए कि आने वाले 50 साल में आपकी जमीन अपने आप इनकी हो जाए। भाई वो कैसे हो सकता है? या तो आपकी कुणबा गाणी हो जाए, या तो सारा ही कुणबा निमटे आ जावे। उसके लिए लैंड बैंक बना रखा है हरियाणा सरकार ने कि ई बाप के परिजनों को नहीं जाएगी वो जमीन, रिश्तेदारा के चली जाया करती ना, इब सरकार पे जाओगी वह जमीन से सारा कुणबा चला जाओ। तो कहते नहीं सोचते हो, कानून बन गया ऑलरेडी, कोलैप्स वाली तो होगी जी। हाँ कोलैप्स वाली। और जो दूसरी चीज सरकार न्यू कह है कोलैप्स वाली, सब जो पहले अंग्रेज जाते मैनेज कर राजा का, अगर बच्चा नहीं है ना तो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ वही एग्जैक्टली वही है। उसके बाद आपके पास वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी जमीन बेचनी है, जो कि अगले 10 सालों में 15 सालों में आपने सबने जरूरत पड़ेगी। क्यों? बालका ने नौकरी नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल ट्रैक्टर उसके खेती के जोन से और सामान है वह लगातार महंगे होंगे, आपकी जो फसल है उसकी कीमत लगातार कम मिलेगी, आपके ही बाल तो जमीन जो खेती है किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसाना का लोन चल रहा होगा। जे किसी के घर में नौकरी हो या कोई दूसरी आमदन होती हो, उनका तो बेशक ना चाल कर्जा चल रहा, उनके ऊपर तो बेशक कर्जा ना हो, नहीं तो लगभग हर एक किसान के ऊपर कर्जा है। जुन से बच रहे हैं उनमें थोड़े दिन में हो जाओगे कर्जदार उनकी जो, और देखोगे खेती वाली जमीन पे कर्जा होने के बाद लाल डोरा तोड़ के ना आपके घर पे भी रजिस्ट्री कर दी। अरन्यू कह रहे हैं बैंक वाले ले लो घर पे भी लोन, ले लो घर पे भी लोन। एक टाइम आएगा जब आपकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप इतने कर्जदार हो जाओगे कि हाथ जोड़ के न्यू कहोगे एक रिश्ते बढ़िया तो एक्वायर हो जाए तो बढ़िया है, औलाद ने न्यू कहोगे चेक क्या ही की पकड़े, चपरासी की पकड़ ले, पर नौकरी पकड़ ले, खेती तो गई खत्म। उस टाइम पे आपकी जमीन इनको चाहिए चाहिए, क्योंकि ये जो कानून थे ये सीधा सीधा साबित कर रहे थे, ये तो सीधा शाम ही दिखे था कि आपकी जमीन लेने लाग रहे हैं, लेकिन बैकडोर से इन्होंने प्लान ए प्लान बी प्लान सी सारे चालू कर रखे हैं। कहते नहीं सोचते हो ये रुक रहे हैं? ये जो बीमारी थी ये इनका प्लान ए था। प्लान ए क्यों था? इस बीमारी को जिस वक्त लाया गया, आई गई नहीं बोलूंगा मैं, लाया गया क्यों बोल रहा हूं, भारत के अंदर पहला केस आया था अक्टूबर 2019 में, और इस बीमारी की रिहर्सल हुई थी सितंबर 2019 में। एक महीना पहले पहला केस जो बेंगलोर में आया, उससे एक महीना पहले अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर बिल गेट्स का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जमीनें उसके पास जाने वाली है, अमेरिका के सारे किसानों की जमीन ले चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है इस टाइम पे बिल गेट्स। कितनी जमीन होगी अंदाजा है? तो अंदाजा ला किसे बड़े जमींदार पे कितनी जमीन हो सके, ऊन ला दे बस कितनी के? कितने किले होंगे मतलब बताओ ना, अब हमारे गांव में ना जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार होगा, दुनिया का
फिर भी कितने किले हो सके? हजार ग्यारह से किले तो अपने चौटाला रुपए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ग्यारह से बारह से किले तो यहाँ ले रहे हैं, हजार ग्यारह से कुछ नहीं। वो बिल गेट्स जो कदे खेत में नहीं गया, पौने 3,00,000 एकड़ जमीन का मालिक है, 2,71,000 किले हैं उस पे, और वह सारे के सारे इन्यू जमींदारा के हैं, किसे का आधा किला, किसे के 2 किले, किसे के 6 किले, किसे के 5 किले, किसे के 10 किले न्यू समेट के। जुकरिया सरकार कह रही है ना, या क्या कह रही है कि आपकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, नया भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बिल गेट बाबा को, अंबानी चाचा को या अडानी भैया को अगर आपके ये जमीन पसंद आ गई और वो न्यू कह लग गया कि मुझे यहाँ पे पब्लिक के लिए एक नया सेंटर बनाना है, पब्लिक की सेवा के लिए, तो सरकार आपके खाते में पैसा भेज के डीसी रेट में और आपके जमीन को खाली करवा के देगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में भूमि अधिग्रहण कानून कहता है। कानून बना चुके हैं ये, कदम सोचते हो कानून आने वाला है, ये बन चुका। ये कैसे बड़ा? जब ये बीमारी लाई गई, फिर से मैं उड़े आऊ हूँ, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है वो बिल गेट्स पैसा देने वाला था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर उस रिसर्च को करने के लिए, पैसा दिया मतलब उसने, उस सितंबर 2019 की उस मीटिंग में ये फाइनल होया कि दुनिया में अगर, दूर मत जाओ फिर आवाज नहीं आनी, ये फाइनल हुआ कि दुनिया में अगर महामारी आ जाए तो कौन से देश ने किस टाइम पे लॉकडाउन लगाना है, ये सितंबर में तय होया। अक्टूबर में पहला केस आया और फिर उसके 6 महीने बाद मार्च में लॉकडाउन लग गया था। लोगों को वो वीडियो दिखाई गई जो इसको लाने से पहले फिल्माई गई थी, जो आप टेलीविजन में देखा कर देना, इटली में न्यू होगा, अमेरिका में न्यू होगा, जापान में न्यू होगा, वह सारी फिल्म बनाई गई थी पहले आपके टेलीविजन पे चलान खातर, मतलब समझ रहे हैं आप। और आप लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना बंद, ये देखा गया कि सड़क के ऊपर जब गांव के चौतरा पे जब चौपाड़ा में बैठ के जो आप ताश खेला करते, ताश खेल दे गया लठ मारे पुलिस वाला ने आके, ने ये चेक करा गया था कि इन लोगों में बोलने की हिम्मत है कि नहीं है, यहीं पे इकट्ठे हैं आके भाई अकेले अकेले हो लिए, और उस टाइम पे ये चेक हो लिया, ये तो अकेले अकेले हो लिए क्योंकि बाबू के लठ लागन लाग रहे, तो औलाद जो है उसकी वीडियो देख देख कर राजी हो रही है, जी औलाद के लागन लाग रहे हैं तो बाबू राजी हो रहा है, बहुत सारी वीडियो आई थी ना, खुद है उसका बाबू अपने मर मर के भीतर ले जाओ था, कॉमन सेंस को खत्म करा गया हमारी। और उस टाइम पे एक कानून लेके आए और उसके बाद एक नियम लेकर के आए जिसको इन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में क्या कहा, एक कुर्सी छोड़ के बैठो, जनू तो उसने बेरा है कि इस कुर्सी पे जाना है कि इस कुर्सी पे नहीं जाना है, इसका खेल का क्या खेल है ये कुर्सी छोड़ने का? आप लोगों में से मुझे नहीं पता, किसी को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, संसद के अंदर अगर 4 स्थिति है, अकाल, अकाल, बाढ़, युद्ध और महामारी, महामारी चौथे नंबर पर, अगर ये 4 स्थितियां हैं तो संसद को नॉर्मल से ज्यादा ताकत मिल जाती है देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हमारे ऊपर लगाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट इसीलिए लगाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर सरकार को देश की भलाई के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाना पड़े तो उसके बाद लोगों को घरों में कैद करना पड़े तो उसके बाद लोगों की जिंदगी से जुड़े जितने भी खर्चे हैं, उसकी दुकान का किराया, उसके कर्जे की किस्त, उसके गाड़ी के ट्रैक्टर की किस्त, उसकी बड़ा बच्चों की पढ़ाई की फीस, उसके खाने का खर्चा, उसकी गाड़ी की किस्त, उसकी गाड़ी का तेल और जो बाकी और तमाम खर्चे डेली रूटीन के, वो सरकार उठाएगी। आप में से किसी ने किसी का खर्चा उठाया कि? ये कानून में है, जो कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये उस कानून में है कि आपके खर्चे सरकार उठाएगी। और यहाँ तो इन्होंने क्या किया कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगाना था वो मार्च का महीना था,
जनवरी फरवरी मार्च कोई भाई आड़े बैंक में काम करनिया है के है कोई या उनके घर में हो? अगर नहीं हो तो मैं बता दूं, अपने ने पूछ लियो, ये तो आप दो रबात बतान लाग रहे हो, बूझ लियो कि बलारा की बात कितनी सच्ची थी कितनी झूठी। जनवरी फरवरी मार्च और उससे पहले दिसंबर, क्योंकि एक काम करते हैं छमाही में एक वो करा करें, अपना हिसाब करा करें बैंक वाले, एक बार सितंबर में करा करें, एक बार मार्च में करा करें। सितंबर के बाद, सितंबर 2019 के बाद बैंकों ने प्रेशर डालना शुरू किया अपने कर्मचारियों के ऊपर के लोन बांडो लोन बांडो लोन बांडो। लॉकडाउन लगने से पहले चाहे आपके पास वो मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया के नाम पे जनधन खातों में लोन वैसे दिए गए हो या फिर आपको और किसी योजना के तहत लोन बांटे गए, बच्चों को, बच्चों ने नए नए रोजगार शुरू करे, अपनी दुकानें खोल ली, सामान ले आए और अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। होना तो क्या चाहिए था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद जिस भी बालक ने लोन लिया उसके लोन की किस्त सरकार ने भरनी चाहिए थी, पर हमारे गांव के आदमी बोले इतने नबेरा ही कोनी की उनकी गेल तो खाओ गया। दूसरे नंबर पे इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान, इस एक्ट के लगने के बाद अगर जिस वजह से ये लगाया गया है उस वजह से किसी की मौत होती है या बीमारी की वजह से लाया गया था, अगर सरकार ये कहती है कि इस आदमी की मौत इस बीमारी से हुई है तो कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजे का प्रावधान है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। क्या हम में से किसी को मिला? किसे तय भी नहीं दिया। सब तय बड़ी ठगी क्या कि उल्टा इस बीमारी के नाम पे अपना दान का खाता खोला, एनजीओ बनाई अपनी जिसका नाम रखा पीएम केयर फंड, ताकि लोग ये सोचे कि प्रधानमंत्री राहत कोष जैसा ही कोष है ये। प्राइवेट कंपनी दाने मांगे किसाना पे मंडी में के 5-5 किलो इस बीमारी के नाम पे दे। सोचो कितने 82-85 करोड़ किसान तो हमारे इसे हैं जो उनसे 10वीं क्लास तक कम पढ़ रहे हैं और जिनने दान को अपना ये मान रखा भाई दान दिए थे धन नहीं घटा, तो 5-5 किलो उन्हें सारा ने दे भी दिया अपने हट दिया थे। WHO से 100 अरब रुपया आया वो भी सारा जम कर गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पैसा भी अजम कर गया, लोगों की तनख्वाह अपने खाते में करवा के पीएम केयर फंड में वो भी अजम कर गया और उसके बाद अपने जहाज खरीद लिए, अपना सेंट्रल विस्टा बनान लाग रहा है, अपना सारा जुगाड़ करन लाग रहा है और आम आड़े दर दर की ठोकर खान लाग रहे हैं। वो है बिल गेट्स को 2015 में जनवरी में बुला के नीति आयोग की मीटिंग में बुला करके बाकायदा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया उस आदमी ने, जिसको फिर ग्लोबल पीस अवार्ड बुला के अमरीका बुला के फिर इसने बिल गेट्स ने इस्ते दिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि खेती के कानून और यह बीमारी का खेल एक ही है। क्यों है ये खेल? क्योंकि जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है उस दिन से लेके आज तक संसद में किसी भी कानून पे चर्चा आपने देखी नहीं होगी। दूसरा खेल समझो, ये बकायदा हमारे संविधान के अंदर मेंशनड है कि अगर देश के अंदर ऐसी कोई आपात स्थिति है और संसद का सदस्य अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ तो सदन के अंदर वोटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब जिस सरकार को इस देश की जनता ने उसके लिए डिसीजन लेने के लिए चुना था उस लोगों का प्रतिनिधि वहां वोट नहीं डाल सकता, अपनी अपना मत नहीं रख सकता। तो आपका जो पार्लियामेंट का मेंबर है और पूरे देश के लोगों का जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसको अपनी बात रखने का हक इस सरकार ने छीन लिया ये बीमारी लाके। कारण क्या है? पहली कुर्सी होती है प्रधानमंत्री की, अगली कुर्सी होती है गृह मंत्री की, आगे बाकी के कैबिनेट मिनिस्टरों की और उसके बाद आगे और दूसरे लोगों की। तो आपको क्या होता है इस बीमारी के चलते संसद के अंदर पहली कुर्सी पे तो प्रधानमंत्री बैठा है, गृह मंत्री दूसरी पे नहीं बैठा, तीसरी पे बैठा है। इसका मतलब प्रधानमंत्री को छोड़ के पूरे संसद के अंदर एक भी आदमी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा, इसीलिए संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। तो सारे कानून ध्वनि मत से पास हुए, ये खेती का कानून ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस ला के पास किए गए, बीज के कानून पड़े हैं, पानी का कानून पड़ा है, प्राणी का कानून पड़ा है, यो पड़ा है पहले से। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में चेंज किया गया, हमारे अधिकार छीने गए और आज हालत यह होगी कि हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे बालक गरम मोबाइल पे अश्लील वीडियो और सारा कबाड़ देखन लाग रहे हैं।
और कमाल की बात तो ये है कि जिस टाइम पे हमारे अधिकार छीने जा रहे थे, जिस टाइम पे हमारे ऊपर बीमारी थोपी जा रही थी, जिस टाइम पे हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, पूरे के पूरे देश का एक भी नेता हमारे लिए बोलने वाला खड़ा नहीं था। जिसने अपना नेता कहा हाँ पाजेन चौधरी है, मुंह पे इतना बड़ा मास्क ला के सूर सा बना दिखा, क्यों जी तू नहीं बोलता, आड़े बैठा एक भी एक एक आदमी ने बेरा किया, सारा ड्रामा है, उनने कौन बेरा होगा के? अरविंद केजरीवाल उड़े के पंजाब में जाके अकबला जो कुछ मैंने दिल्ली में करा मैं वो ये करूंगा, मारा आड़े खुल हो, मैं सांस लेने का टैक्स है 500 रुपये, मुंह खोल के ना टैक्स, सांस लेने का टैक्स है 500 रुपये, जुर्माना दिल्ली में है 2000 रुपये, हम पंजाब वाले तभी कह कहे थे थारे भी 2000 लाख नाले हैं, जयू आ गया तो और बता दो कौन सा ओडे तो करा बड़के भी सही बात है यार, तो रोड रोड पे है। और कमाल की बात देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी पूरी फैमिली ने एक भी टीका नहीं लिया। अब जय इतनी बढ़िया चीज होंगी तो सारा कुण पास तपेल में लेवा है, और जय इतनी माड़ी चीज थी तो अपने गुर्गिया तक कहना चाहिए था, अपने फॉलोअर तय अपने भक्तों तक कहना चाहिए था कि भाई तम भी मत लियो, उन्हें कोई फुर्सत है नहीं, कोई यादव फैमिली, भजन लाल फैमिली, बंसी लाल फैमिली, कोई और मारा नेता बनता हो, कोई शैलजा, कोई सुरजेवाला, कोई चौटाला, कोई और जिसके आपा भगत बन रहे हाँ, जिसके भी बन रहे हाँ, कोई आया के अपन बालकान बचाण। कमाल की बात यह है मेरे ती कुछ लोग कह दे उड़े सालोन में गया मैं तो न्यू बोला यू तो ना बीजेपी का खिलाफत करा कर, मैं बोला मैं कांग्रेसी अनबख्शा करूँ भाई, बोला जाए तो ना कांग्रेसी भी देख के मुँह चढ़ा हुए हैं, मगर मैं तो आम आदमी वाले पट्टा करूँ भाई, बोले जाए तो ना वह भी चढ़ा हुए हैं भाई, मैं आदमी की बात करूँ हूँ, आपकी गैल जुलम तो सारे करण लाग रहे हैं भाई, कांग्रेस की सरकार उड़े है, अशोक गहलोत है वो भी वो काम करन लाग रहा, शिवसेना की महाराष्ट्र में है वो वही काम करन लाग रहे, वो ममता बनर्जी वो काम करन लाग रही, वह कम्युनिस्ट बैठे हैं केरल में वो भी वो काम करन लाग रहे, इस बीमारी के ल्याण से पहले कम्युनिस्टा ने निपा वायरस के नाम पर उड़े इस पूरी बीमारी की पूरी वीडियोग्राफी कराई, जो कर मैं थोड़ी थोड़ी किट पहन के शमशान घाट में लाश चढ़ाओ थे ना, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की टेस्टिंग उन्होंने कम्युनिस्टा ने करी थी, लेकिन इस बात का हमारे आदमी बेरा को नहीं कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहे हैं उसके अंदर सारी दुनिया की सरकारों को विपक्षी पार्टियों को मैनेज कर लिया गया है, और ये जो लोन माफ हो रहे हैं बड़े उद्योगपतियों के ये उस मैनेजमेंट का हिस्सा है भाई, बड़े उद्योगपति की अगर 1000 करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया, इनके 1000 तो उनको नहीं, इनको 10-10 हजार करोड़ हुए हैं, लेकिन मैंने कहूँ 1000 करोड़ माफ कर दिया, और इन्हें 10 पार्टियां के मालिका तय 100 करोड़ दे दिए कि चुप रहो, मालिक तो पार्टी का नहीं सोचा, मन्ना मन्ना मिले हैं ये 100 करोड़, अरे उन्हें अगली इलेक्शन का पैसा मिल गया, आदमी चाहे कितने मरो भीड़ बकरियां की तरह उनको मतलब ही नहीं। आपको लगाने से पहले अगर कोई टीका लगाता है तो आपको लगाने से पहले आपको आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बेरा किसी ने भाई बोल के नौजवान बालक को बेरा रहा है सहमति तो मेरा चिल्ला होगा तू मठ में पढ़ रहा है यू मठ में पढ़ रहा मैं मठ में मेरी पोस्टिंग आई थी पहले मैं सरकारी मास्टर था नौकरी छोड़ गया था दूसरा भाई था एक और इसका भाई था एक और था वो शायद मैं खड़ा था कोई पक्का पावर मत आड़े थे मारे कड़े थे मैं कड़े गए एक और था भाई आड़े बैठा था शायद कोई नहीं है जरूर तो है थे मैं बताऊं के था आपके बच्चों को या आपको अगर बच्चा 18 साल से कम है तो उसके माँ बाप को बुला के और अगर 18 से ज्यादा है तो उसको खुद बिठा के ये बताना होता है जैसे 2019 से पहले आप अगर अपने किसी आदमी का ऑपरेशन करवाने जाते अस्पताल में तो अस्पताल का डॉक्टर आपसे कागज पे साइन कराया करता आपसे पूछा करता कि जी न्यू ऑपरेशन करांगे या फलानी नस काटनी पड़ेगी या फलानी चीज काटनी पड़ेगी इसके काटने के बचने के चांस इतने हैं और मरण के इतने हैं बताया करते उसके बाद नहीं कहा करते ही बता दो इलाज कराना कि ना कराना आपकी मर्जी है कराना कि नहीं कराना ये आदमी के ऊपर होता है या उसके परिजनों के ऊपर कि आप इलाज करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो लेकिन इन्होंने क्या किया इस बीमारी के ल्याण से पहले बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके नियम बदल दिए और इन्होंने कहा कि अगर अब अस्पताल में किसी की मौत होती है और अगर वो गलत इलाज की वजह से हो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हो या दवाई की गलत होने की वजह से किसी वजह से भी हो अब अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा दवाई बनाने वाला मालिक जिम्मेदार नहीं होगा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी जिम्मेदार होगा तो एक आदमी जो
आया था अस्पताल में या जुड़सन ले आया था? जो कौन सा कानून है भाई, ये तो इंसान होने का भी फर्ज मारा पत्र ले लिया माराक के आपने शरीर को सिर्फ एक केस मान लिया। अगर केस बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अपनी स्थिति कराओ। और अगली चीज इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या होती है कि आपको बिठा के बताएगा वो डॉक्टर, वो पूछेगा कि इस कंपनी की दवा लगा रहे हैं आपको और कंपनी की इस दवा की जो कंपनी है वो कहती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जब हमने उनसे चिट्ठी डाल के पूछा ना भारत सरकार से कि हमने बता तो दो इसके के साइड इफेक्ट हैं, तो भारत सरकार ने आरटीआई का जवाब देने तक मना कर दिया। न्यू बोली सरकार के भाई हमने पब्लिक डोमेन में रख रखी। मगर पब्लिक डोमेन में कित रख रखी बता तो दो, बोला वेबसाइट पर है। वेबसाइट पर तो या कितने कूड़ में पड़ी मैं जो साइड इफेक्ट की लिस्ट हर एक कंपनी की, फिर उनका हमने मेल कर करके वो शामिल लेके आए कि पहले तो इन्हें सामने रखो ताकि आदमी अगर उस कंपनी की वेबसाइट पर जाए तो देखो कितने लोग हैं जो कंपनियां की वेबसाइट पर जावे हैं, बताइयो मने। कोई नहीं जी, एक और छोरा ठावे बस, एक छोरा तने देखी है काट दिया वैक्सीन सीट काट दिया ना, अब काट रखी है इस नया कंपनी की पढ़े लिखे हो जरूर देख के जाइयो जी, ये असली से निकल रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ये कंपनी से निकाल लिया है ठीक है, इसमें तो देख लियो मेरे जाए पाछ है। इसके अंदर बकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये लेते हो ये जो दिनय अमृत प्याला कहे हैं, अक्तावरण लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, अगर आप ये लेते हो तो आपको सिर में दर्द हो सके है, आँखों में पेन हो सके है, आपकी रोशनी जा सके है, आपके ये फोड़े से हो सके हैं, खुजली हो सके है, जी मचल सके है, बुखार चढ़ सके है, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रह सके है, और ज़्यादा करोगे तो आपके क्लोटिंग हो सके है, क्लोटिंग दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, शरीर के और किसी अंग में होगी तो लकवा, अगर प्रजनन अंगों में हो गई आदमी में होगी तो नपुंसकता, औरत में होगी तो बांझपन, कति यो पक्की बात है यार। अगली कह रही है कंपनी कि मौत भी हो सकती है, लिख रहा है ना इसमें, लिख रहा है कि आपकी मौत हो सकती है। आप में से लगाने से पहले किसको बताया, किसी डॉक्टर ने बताया था? तो ये काम आपके बड़ गेल भी हो सके है, कितना धोखे में रख रहे, और उससे भी बड़ी गलती क्या कर रहे कि धक्का कर रहे, उससे भी जो बड़ी गलती है धक्का कर रहे, मेरे शरीर पे मेरा अधिकार, मेरी मर्जी मैं लुवाऊं कि ना लुवाऊं, मैं अपने बालक का लुवाऊं कि ना लुवाऊं, तू कौन हो धक्का करनिया? और चल मान लिया तू न्यू कह रहा है कि तो नहीं हो किसी बीमारी का टीका है, अरे कम से कम न्यू तो बता दे इसके लगाने के बाद वह बीमारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगले के हो जाएगी, फैला सकू कि नहीं फैला सकू, बोला फैला भी सके, बोला इसके बाद अगली नहीं लेनी पड़ेगी, बोला लेनी भी पड़ सके, जो के मतलब हो गया। और कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 8 का परफॉर्मा तो पहले दे रखा है भारत सरकार ने कि 8 लगेंगे, 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आपके खेती के बीज खत्म करना, आपके डांगरा के बीज खत्म करना और आपके इंसान के बीज खत्म करना, ये असली टारगेट है। खेती के हो लिए आपके खत्म, खेती के तो हो लिए ना बांझ, देसी बीज खत्म हो लिए जी, हाइब्रिड आ गए सारे, हो लिए खत्म, इब तो आप बाजार से ही लेके आओ डांगरा के भी, और 20% तो मानस भी बाजार से ले आवे बीज, इब ना लेंदे हो तो बता दो, इबाल इनका टारगेट है कि सारे के सारे आने वाले टाइम में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी क्या होता है, 100 आदमियों ने अप्लाई कर रखा पड़े में, तो मान लो अगर भाई 100 आदमी टीबल लुवाना है तो सरकार से नहीं कह रहे टीबल ला लू बाबू जी, अपने खेत में ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने खातर उनका गा जोड़ना पड़ रहा है, बताओ कितना बड़ा जुलम हो रहा है भाई, मोटर चेप दी रपिया हम देन लाग रहे और फिर भी धक्का, और फिर भी नुका ना 100 में ते 10 जने ला सको हो, आगे आने वाले टाइम में जब 100 जने अप्लाई करोगे जी बालक पैदा करने हैं अकना टोकन मिलेगा 10 जने कर सको हो, 90 नहीं कर सकोगे, ये डिसाइड करेंगे किसका डीएनए आगे जाएगा किसका नहीं जाएगा, ये बताएंगे कि आप क्या करोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कितना उठोगे, कितना मूतोगे, कितना हगोगे, सब ये बताएंगे, और ये आपको प्रोग्राम किया जा रहा है इसके जरिए। आपके बच्चों के स्कूल बंद करके उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा रखे हैं जो गंद के अलावा कबाड़ के अलावा आपके बच्चों को कुछ नहीं दे रहे। आपको ये लॉकडाउन जो थोपा जा रहा है पूरी की पूरी पीढ़ी, 40 करोड़ बालक है स्कूल और कॉलेजों के अंदर, आप सोचो अगर 135 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ की एक पूरी पीढ़ी का सर्वनाश कर देंगे तो कैसे बच्चे आएंगे जिन्होंने मोबाइल पर अश्लील वीडियो और बंदूका वाले वीडियो गेम खेल रखे हैं, वो आतंकी और रेपिस्ट बनेंगे आपके बच्चे आने वाले टाइम में। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप खड़े हो जाइए,
अपने बालका ने काल ना स्कूल खोलेंगे, अपने लठ ले लेके स्कूल के बाहर चले जाओ। ये कहे हैं कि नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं खोलेगी। आप कहोगे कि मालिक हम है स्कूल के, पहली क्लास से लेके बारहवीं तक के सारे जावेंगे और कोई प्राइवेट प्राइवेट इसकी चीज कराओ, हम अपने सरकारी में बेचांगे। मास्टर सारे आवे प्राइमरी से लेकर आगे तक के, बाहर बैठ जाओ कमेटी बना के ने कि ये बैठे हैं, आण दो कौन सा अफसरा होगा और आण दो कौन सा बकवास करेगा। ना मास्टर ने कहो कि जब तुम टिका के पढ़ाओगे तो थारी रक्षा हम करेंगे और फालतू बकवास करो तो टांगड़ी थारी भी कटेंगी। सिद्धी न्यू कहोगे जब अकल आओगी ना ईमानदारी हाँ तो थारी रक्षा हम करेंगे। इतने बड़े गांव में जी, अपने गांव में ना साइंस टीम नहीं है स्कूल में, छोटा सा गांव है और साइंस टीम है। आपके पास पढ़े लिखे बालका की कोई कमी नहीं है, उन्हें टीचर बनने की ट्रेनिंग भी दे देंगे और फ्री में पढ़ा देंगे। बहुत बालक है इसे आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय गांव राम कट्ठा तो अंदा हो। आपके गांव की एक और बीमारी है बहुत ठाडी, गांव में कम से कम भी 2 से 3 हजार यूथ नौजवान जो हैं वो नशा करते हैं यहाँ। और पुलिस आपके गांव में एक दो बार पंचायत भी हुई है नशे के ऊपर, मेरे पास खबर आई थी, और पुलिस वाले मिलकर उनकी गेला नशे वाला गेला लाग के आपके बालका का नाश करने लाग रहे हैं। प्रशासन प्लान करके आपके बालका का नाश करने लाग रहा है। जय गांव राम कट्ठा तो अंदा हो तो आपके बालका के स्कूल का भी इंतजाम कर देंगे। आने वाले टाइम में उनको अपने बच्चों को हेल्दी कैसे रखना है, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, खेत के बीज कैसे संवारने हैं, आने वाले टाइम में आप अपने जिंदगी को अपने बालका ने अपने गांव में राख का अपनी जड़ों के पास रख के किस तरह का एजुकेशन सिस्टम तैयार करें कि अपना एक भी बालक बेरोजगार निरव, इस पर भी चर्चा करी जा सके। लेकिन काम करना पड़ेगा गांव राम ने। ये चार आदमी चौधरी बन जाओगे, मेरे वर्ग आदमी नेता बनने की कोशिश करेगा तो न्यू गांव का काम कौन चल रहा है? गांव के एक एक आदमी ने काम करना पड़ेगा। गामा की बर्बादी का एकमात्र कारण है कि जो शरीफ आदमी था, जो ठीक आदमी थे खानदानी, वह बेइज्जती से डरते घरां बढ़ गए और जो उनसे लुचंगड़ थे वह नेता बन गए। यो बर्बादी का असली कारण है। तो जो शरीफ आदमी है वह बर्बादी का कारण है, लुचंगड़ नहीं है। इसलिए उन शरीफ आदमियों से गुजारिश है कि आ जाओ अपने अपने बालकान बचा लो, क्योंकि थारे बालक बचेंगे तो मेरा बचेगा, मेरा बचेगा तो ये साड़ा बचेगा। इसी उम्मीद में कि आप लोग कट्ठे हो गए, कोई गलत बात लिखड़ी हो उसके लिए माफी। आप कट्ठे होकर फिर गांव की एक मीटिंग आड़े कर लेंगे, सबते गांव ने बुला लो, चाहे को ना अंधा हो तो धक्के तक पकड़ के ले आओ। एक मीटिंग करके सारे नौजवान साथी मिलकर ने एक एक ने बुला के और एक बढ़िया, क्योंकि जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होएगा तब तक गाँव नहीं बदलेगा। सोच पे बदलना पहला काम है, उसके बाद जो अपने आप से गांव के लिए काम करना चाहते हो वो नौजवान आगे आएंगे, उनको हम हेल्थ की भी ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन की भी दे देंगे, आदत बचाने की भी दे देंगे, नशे तक ऊपर पेंडा छूटेगा उसकी भी दे देंगे, आपके गेम तक ऊपर पेंडा छूटेगा, उनके टैलेंट के ऊपर पता चलेंगे, एक एक चीज पर दे देंगे। और डॉक्टर विनोद तो है ही यहाँ बैठे खड़े थे, इधर है ना डॉक्टर साहब, आपके पास तो वह ट्रेनिंग है, आपने बेरा है कि आप बदल सका सब तक उसने है ना कराए थे ना। आप यहाँ लोगों से मिलने के लिए 2018 में भी आया था मैं आपके गांव में, मेरी टीम आई थी आन, तो हम न्यू कहन आए थे थारे बड़का का नाश होगा ना, क्योंकि षड्यंत्र का बेरा था हमने। और उस टाइम पे गांव के लोग बड़े में 4-5 जगह मीटिंग हुई थी, बेरा कह गए थे मेरे जाय पाछ है भलाई तो इलेक्शन लड़ेगा, मगर भाई 2019 का इलेक्शन लड़वा लो तुम, जिसने लड़वाओगे हम तो 2020 में आ जाएंगे। यह बात कहीं ना हो तो बताओ मान साहब, बोला इलेक्शन लड़ेगा, 19 का इलेक्शन नजदीक था, मैं बोला भाई 20 में आ जाऊंगा, तब 19 में जता लियो और जिस सुना सारा करेगा वो कर लेगा, हम तो 20 में आ जाएंगे, जई भी नुकंदे होगा आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम 25 में आ जाएंगे भाई, तो भी सारा लड़वा लियो जिससे लड़ा कुछ नहीं है जीतने उसके बाद है ना। तो मतलब यो है रहा है या बात कुछ रंदा नहीं है, या बात 2018 में बताई थी कि नहीं कि आपके बड़का का कति प्लानिंग से नाश होने लग रहा, 18 में आगे बता के गया था, लेकिन उस टाइम पे लोगों का वह भड़क कौन जागी थी, इब जागरी है, आप जाओगे इब लोग आ जाओगे, आप आ जाओ बैठ जाओ बात कर लो चर्चा कर ला, एक बार उनकी सोच पे काम कर ला, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बालका ने अगली पीढ़ी ने अगले 100 साल का वो रास्ता बता देंगे, आप उस षड्यंत्र की पोल खोल देंगे जो इन अगले 10-20 साल का प्लान कर रखा है, क्योंकि यह 10-20 साल का कर रहे हैं तो आप 100 का कर लेंगे। यदि आप प्लानिंग करके हमारा समाज नाश कर सके हैं तो आप प्लानिंग करके अपने समाज ने बना नहीं सकते, उल्टा या चीज अपन करनी पड़ेगी। तो क्योंकि बहुत आगे भी जाना है, आगे निकलना है, इस उम्मीद में कि आप लोग आगे आएंगे, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कि आपने इतने ध्यान से सुना, धन्यवाद।
ना मैं निकलूंगा पहले को नंबर है मेरा डॉक्टर साहब के पास है मेरा बुजुर्ग हैं जो नौजवान भाई हैं हमारी माताएं बहनें हैं मैं गांव की तरफ से आप सबका सम्मान करता हूं मेरे गांव में 10 मिनट देने का बलारा साहब ने भाई सुशील ने इन मौका दिया गांव की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूं और बार बार आग्रह करता हूं इस गांव के जो नौजवान बुजुर्ग बच्चे हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ज़्यादा कुछ ना कर सकते जो लड़ाई अपनी नस्ल ने तुम पैदा करो उनके लिए तो आपका हक बना है अपनी नस्ल को बचाने का तो डॉक्टर साहब ने मेन बात जो इस सरकार की जो पॉलिसी है हमारा वंश खत्म करने भी सरकार चल रही है या पहल भी यू बीड़ा भी आपने उठाना पड़ेगा और जब चिड़िया खेत में चुग जाए नहीं जब खेत में जाने कर चिड़िया उगाने का कोई आपने लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी दाने पड़े थे चिड़िया लेके उठाएगा ये भी जो युवा सरकार है यू बीड़ा उठा रही है मारी जो नस्ल फसल इनको मारे से छीनने का जो हमारे अधिकार हैं धक्का मारे पे नए नए कानून थोपन लग रहे हैं तो अब भी आप जागरूक हो गए तो कुछ आपको लाभ मिल जाएगा क्यों काफ़ी बच्चे मारे से हैं हम तो खाए कमाए हो रहे हैं मारे बुढ़िया ने बुजुर्गों ने पहले क्योंकि हम पहले इन नहीं उभरना था पहले जवान बच्चे पकड़ेंगे तो वो थारी पकड़ में नहीं आऊँगे पहले इन बुढ़े पकड़े चलो हमने तो इंजेक्शन लुआ लिए ना लुआ लिए जो भी आ मुहिम जो मैं खुल कर कहूँगा हमारे जो नई नस्ल के बच्चे हैं 15 साल से ऊपर के बच्चों के नाम लगे टिक्के तो इन बच्चों का भविष्य आपने बचाना होगा और आपने यह लड़ाई देर सवेर लड़नी होगी इस लड़ाई का टाइम है क्योंकि अगर हमारे बच्चों ने वो इंजेक्शन लगवा लिए वो तो बेचारे बेघर हो जाएंगे वो तो शादी शुदा ऐसा भी नरमदा हकम की शादी ये कर दिया सरकार उस लायक उन्हें छोड़ देनी है तो ये तो बाद की बातें हैं गांव बार बार इकट्ठा भी हो आग्रह बतला भी करें मैं बलारा साहब का गाँव की तरफ से जो भी भाई आए हैं देवेंद्र डॉक्टर साहब सुशील भाई आया है तो डॉक्टर धर्मवीर जी आए हैं मैं गांव की तरफ से पूरे बड़ा की तरफ से इनका बहुत मान सम्मान करते हैं हम इनका आभार प्रकट करते हैं इन्हें अपना कीमती समय इस बड़ा के लिए निकाल लिया है और मैं ये चाहूँगा जैसे ये भाई आए हैं डॉक्टर साहब से भी अपील करूँगा कि भैया हम ज़्यादा तो हमारे में टाइम का अभाव था टाइम कम था लेकिन समय के अनुसार हमारा इस गांव का फर्ज बना है कि आप आए हो आपका थोड़ा हमें मान सम्मान करना चाहूँगा आप दूसरी बार आओगे फिर करेंगे आप सिर्फ बड़का ना तुमसे है ना एक तो कोई टिक्के का सर्टिफिकेट मांगा है ना स्कूल में एक तो उन बना सर्टिफिकेट के भीतर बाड़ो पहले बात तो उसकी वीडियो बनाकर गांव और सरकार के नाम पे फरमान जारी करो कि गांव बताओगा तम के करोगे मालिक आमा दूसरे नंबर पे स्कूल के मास्टर न्यू बोलो भाई पहली क्लास से लेके बारहवीं तक के बालक पढ़ेंगे हम कौन मान दे थारे इस प्रोपेगेंडे ने दूसरे नंबर पे यो काम कर दो और तीसरे नंबर पे नौजवान साथी न लाख के जितने बालक हैं गांव में एक बार प्रचार कर दो आप फिर इकट्ठे होवांगे यो तो अगला असली काम है जो बाकी जो जो कमेटी है जो बालक हैं और भी अगर कर सकते हो भाई बालक नौजवान साथी तो अपने गांव में जिस जिसके घर घर जाके अगर तुम लोग कर सकते हो मेहनत के घर घर जाके कि पहली खुराक कद ले थी दूसरी कद ले थी के साइड इफेक्ट हुए हैं अगर वह लिस्ट बना सको क्योंकि आने वाले टाइम में भारत सरकार से हर साइड इफेक्ट का हिसाब मांगा जाएगा तो अपन चाहे हिसाब उड़ा जाके लेवा चाहे अड़े तो हिसाब लेवा एक एक आदमी के जिसके नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आप केस डालेंगे इकट्ठी के 20 लाख लोगों ने डाल ली है 30 लाख लोगों ने डाल ली है ताकि बेड़ा लाग गया सरकार ने कि तुमने कितने परिवार का नाश कर दिया है तो वो अगर आप लिस्ट बना सको तो बहुत बढ़िया बात है फिर हम इकट्ठे आह्वान करेंगे उस दिन फिर सारे इकट्ठे कर लेंगे ठीक है जी तो देखोगे ना साहब बनाओगे गण्या का नाश हो पाओगे बोल नहीं रहे जी गांव में बहुत है बहुत केस है जी दो साल